बैका है कसम खा रखी है लेटाने की। अरे बंदर। A few moments later. वहाँ पे वायरल टेक्नो ब्रेड दूध वगैरह ले रहे हैं अपने घर के लिए और यहाँ पे मैं ऐसे ही बैठा हूँ और हम वेट कर रहे हैं इधर। हम वैसे लेट हो चुके हैं और ऊपर से ये और लेट कर रहे हैं महाशय हमारे, तो देखते हैं कब तक स्टेशन पहुँच जाए। आई थिंक 11 तो बज ही जाएंगे अभी स्टेशन पहुँचते 10:30 हो रहे हैं अभी, तो अब कम स्टेशन पे ही मिलते हैं .. A few moments later. इस व्लॉग्स ने भी वायरल टेक्नो को कैप्चर कर दिया व्लॉगिंग में। ये देखिए देखो भाई, ये भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया, मैंने आदत ही बना दी। चलो हम लोग तो ट्रेन के लिए रुके हैं, यहाँ पर ट्रेन आ नहीं रही है, यहाँ पे अभी तक ट्रेन आई नहीं है, ट्रेन के लिए रुके हैं। देखते हैं कब तक चलेगा ये सी। ये देखो ये बंदे बहुत गंदा बनाया है। कोई बात नहीं, मेरा तेरा कितना गंदा कैमरा है, मेरा बहुत गंदा बनाया है। क्या आईफोन 7 का कैमरा ऐसे ही होता है, कैमरा छोड़िए देख। चलो फिर हम अभी ट्रेन का वेट करते हैं और आपको मिलते हैं ट्रेन में। चलो बाय बाय। फिलहाल तो मैं आईफोन 7 से व्लॉग करा क्योंकि यहाँ पे अभी कैमरा निकालूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो इसकी पहुँच है, वायरल टेक्नो हमारे साथ हैं। अपना ब्लॉग कब डालोगे? आप ब्लॉग कर रहे हो अभी? कर रहे हैं, मेरा चश्मा देखो उससे पहले आप। स्वैग मैग्नेटिक भाई, बड़ा सही कॉन्सेप्ट है चश्मा। और ये है हमारा ब्यूटीफुल सीएसटी का स्टेशन भाई। ये एक्चुअली ब्रिटिश लोगों ने बनाया था और हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और स्पेशली जब जो हैंडीकैप वगैरह रहते हैं उनके लिए गोल्फ कार है यहाँ पे देखो दी गई है। तो और हम लोग अभी टैक्सी ढूंढ रहे हैं, हम लोग अभी चर्च गेट जा रहे हैं ना अभिरल। चर्च गेट जा रहे हैं। चलो फिर हम आपको चर्च गेट जाके ही मिलते हैं। वी आर एट किधर हम लोग? चर्च गेट स्टेशन। चर्च गेट पर स्पेसिफिकली कहाँ है हम लोग? चर्च गेट वो देखा वहाँ पे। चर्च गेट कहाँ है? चर्च गेट हम एक्चुअली चर्च गेट क्यों आए हैं ये ज़रा अविरल भैया एक्सप्लेन करेंगे? नहीं करना। अरे बोलना। अच्छा मैं इसमें देख लो। हाँ तेरे ब्लॉग में जाएगा इसलिए बोलना। चर्च गेट क्यों आए बोलना। क्या करना है तुमको जान के बताओ? हमें जानना है क्योंकि आप हमें यहाँ पे लाए हो, हमें बताइए हमें बताइए साले बता। अबे आए ना बता क्यों आए? कुछ वर्क है इम्पोर्टेंट। कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, टॉप सीक्रेट है। चलो ठीक है देखिए अभी। हाँ पहले टेक्नो को देखिए। तो दोस्तों हम लोग चर्च गेट स्टेशन पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं पीछे वहाँ पे कहीं दिखा, तो मैं कैमरा बैक करके दिखाता हूँ। तो अभी मेरे को रेलवे हेडक्वार्टर में जाना है थोड़ा बहुत है, उसके बाद बाहर आके कंटिन्यू करते हैं।
लो, ठीक है। और सॉरी मेरा अभी आई कॉन्टैक्ट इतना अच्छा नहीं है, धीरे धीरे आएगा इसलिए भी लेट कर दीजिए। इसके बाद हम लोग मरीन लाइन से जा रहे हैं। यस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मरीन। आगे चल सके और आगे चल के दिखाते हैं। हम इतनी गर्मी हो रही है ना, मुंबई इज बॉइलिंग, लिटरली इट्स बॉइलिंग। सो यू कैन सी ओवर देयर हेडक्वार्टर्स आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे फिल्म करना शायद मना है। या आई थिंक इट्स मना, तो करते हैं। तब भी हम इलीगली फिल्म करेंगे अंदर, तो चलो चलते हैं अंदर। A few moments later. तो हम लोग क्यों खड़ी कर रखी है? वही ना, यहाँ पे हम लोग ने सामने से पकड़ना चाहिए था। हम लोग ने यहाँ पे तीन चार टैक्सी से पूछा है, नहीं जा रहे भाई मुंबई से। उल्टा पड़ता है, उल्टा पड़ता है अंकल बोलते, उल्टा पड़ता है। तो फिर अभी अविरल भाई का काम थोड़ा अटक रहा है, पर हम करेंगे, है कि नहीं अविरल? गाइस प्रे करो, प्रे। हम जुगाड़ू जट है, जुगाड़ करना तो हमारा काम ही है। बहुत धूप है ना अंकल? बहुत बहुत धूप है। मुंबई सेंट्रल कहाँ पर जाना है अपने को? मुंबई सेंट्रल में जाना है, चार्टिंग सेक्शन में। तू आगे बैठ, मैं पीछे चौंगड़ी मार के बैठ जाऊंगा। तो ठीक है चलो, थोड़ा शॉर्ट्स ले लेते हैं। फैशन स्ट्रीट है गाइस, देखिए यहाँ से लेके ये बहुत बहुत बड़ी फैशन स्ट्रीट आती है। यहाँ पे कैमरा वगैरह मेरे को भी अभी दिखा नहीं है, मैं तुझे भी दे दूंगा क्लिप। ये फैशन स्ट्रीट है यहाँ पे, ये अराउंड का अंकल, ये कब से चल रही है फैशन स्ट्रीट? कितना साल सोच, 20 साल से ये फैशन स्ट्रीट, 20 साल से। और भाई ये टोइंग वालों का यही काम बन जाता है, ट्रैफिक वालों का भी यही काम बन जाता है। यहाँ पे इनको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, नो पार्किंग में लगा देते हैं। ये देखिए हमारे एक पुलिस मैन, फुल मार्क्स मिलेंगे। चल चल भर ले। ये देखो। तो अविरल काम हो गया हमारा, अच्छी बात है, एट लास्ट काम हो गया। तो अभी हम लोग थक चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट घर पे ही चलते हैं। तो यहाँ से अभी CST जा रहे हैं, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। अरे भाई हमें पार्टी देंगे शायद, पार्टी देगा। चलो ठीक है, कॉल आ रहा है तो बाद में बात करते हैं। अब बाय, CST स्टेशन मिलते हैं, चलो बाय बाय। तो हम CST पहुंच गए वापस, हम CST यहाँ पे है। और यहाँ पे जो व्यू, मतलब जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था
ब्रिटिश लोगों ने बताया था मॉन्यूमेंट वगैरह वो आपको दिखाए जाते हैं, तो बहुत सालों से वहाँ यहाँ पे है वो मॉन्यूमेंट, तो आपको वो दिखाते हैं। तो ये CST स्टेशन है जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था और अभी हम एज ए स्टेशन यूज़ कर रहे हैं। वो देखिए हमारे वायरल टेक्नो वहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, वायरल टेक्नो। तो बेसिकली यहाँ पे जो बॉम्बे में पूरे ब्रिटिश लोगों ने ही बनाया था, जब जो सब कुछ जो मॉन्यूमेंट जो बहुत पुराने हैं, ये मॉन्यूमेंट्स कम से कम 60 या 100 ईयर्स पुराने हैं, तब भी अभी तक बिल्ड अप और बहुत अच्छा है, बहुत मेंटेन करके रखा है। आपको फ्रंट से दिखाने के लिए लेके आया हूँ CST के आगे। वन ऑफ द फेमस स्टेशन कहते हैं यहाँ के, और यहाँ के वन ऑफ द फेमस स्टेशन है ये। एक्चुअली ब्रिटिश लोगों ने बनाया था और 100 साल से भी ज़्यादा है भाई साहब। अभी आए तो कुछ ब्लॉग तो करना ही है। तो ये बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है, ब्रिटिश लोगों ने बनाया था और आस पास के यू ट्रैवल फॉर ब्लॉग और यू ब्लॉग फॉर ट्रैवल यही मॉन्यूमेंट बनाया है ब्रिटिश लोगों ने। 100 साल से भी ज़्यादा ये स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं और अभी भी खड़े ही हैं। तो अभी हम अपने CST जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं बैक टू खारघर, नवी मुंबई। CST है हाँ, तो CST में है बैक टू मुंबई, हाँ नवी मुंबई, वही कह रहा हूँ मैं। खारघर मेरा ब्लॉग खराब करना था तो डायरेक्ट बोलना भूल से, ब्लॉग खराब करना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता। वायरल टेक्नो भाई उसकी ब्लॉगिंग हो नहीं रही तो मेरी ब्लॉग खराब कर रहा है, ऐसी बात है। चलो फिर हम मिलते हैं आपको। सो घर पहुंच गया हूँ और घर पे देखिए सरप्राइज है, राहुल जी हमारे साथ है। राहुल जी कुछ बोलिए आपका। तो आज हमारे दोस्त का अविरल का आखिरी दिन है, सो वी आर गोइंग टू गिव हिम अ गुड गिफ्ट एंड सी द फैमिली रिएक्शन हाउ इज गोइंग टू बी। और यहाँ पे हमारे साथ राघव पांड्या है, राघव पांड्या। तो अभी हम लोग गिफ्ट ले आए हैं, जो हम लोग का गिफ्ट था ये एक्चुअली इस बॉक्स में था गिफ्ट। और फोटो देखिए, आप फोटो देखोगे किन किन की फोटो है भाई। पहले तो आती है हमारी, ए फोकस करना इसका, होल्ड करना बटन ऊपर से। नहीं नहीं एक बात बताऊँ, इसको इसको आगे मैं इसको ट्राईपॉड पर रखता हूँ थोड़ा अपना, इसको ट्राईपॉड पर रखते हैं और दिखाते हैं भाई किस किस की फोटोज हैं इधर। सस्पेंस में दिखा थर्ड वाला। हाँ थर्ड वाला सस्पेंस में, पहले हमारी फेयरवेल की फोटो है, ये मैं हूँ, ये हमारा राहुल दास, राघव पांडे और अविरल, और ये बर्थडे की फोटो है अविरल की, और इसमें मैं निकल नीचे लिखा है विल मिस यू, यू आर द बेस्ट बडी एंड बेस्ट फट्टू आल्सो, भाई हॉरर मूवी में तो फट जाती। और लास्ट वाली फोटो ये देखिए परी और इसकी, डोंट वरी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है बट हमारी बेस्ट फ्रेंड है जो आज यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में है, वो भी दिल्ली में, अभी आज अभी अविरल भी दिल्ली जा रहे हैं भाई, अविरल भी दिल्ली जा रहे हैं और वो भी दिल्ली में ही है। हाँ राहुल दिल वाले मिल गया, दिल टेक टू। तो चलते हम लोग अभी उसके घर पे चलते हैं, चलो टाटा। वायरल टेक्नो हमारे साथ है, अभी दो तीन दिन अभी पता है सेकंड शॉट है, दो सेकंड शॉट है ये, डबल चिन आए वापस ले रहा है भाई, भाई डबल चिन आ गई ना अभी, क्या करो अभी, दाढ़ी थोड़ा ट्रिम की इसकी वजह से आ रहा है कि नहीं। आज भाई ने बहुत घुमाया है इतनी धूप में हमें उसके काम के लिए। 7,000 steps हाँ, 7,000 steps हाँ, तो 7,000 steps करवाए इसने हमें, बहुत घुमाया है। फिर भी टैक्सी से कम्यूट करा हमने, वही हो गए इतने वहाँ पे। राघव आप क्या कर रहे हो,
कुछ मत चर्च गेट सीएसटी मुंबई सेंट्रल मुंबई सेंट्रल। अरे तू पहले बार बोलता था यार प्लान। अरे तू पहले प्लान करता था मैं जल्दी सो जाता। मैं सो रहा मैं उठा ही कुछ 12 बजे। तो अभी चलो हम डायक अविरल के घर पे चलते हैं टाटा बाबा से ही उठा। वायरल टेक्नो जा रहे हैं हमारे साथ जा रहे हैं वायरल टेक्नो। तो आपको कुछ कहना है वायरल टेक्नो? ऑल द बेस्ट फॉर चैनल एंड फ्यूचर। थैंक यू। ग्रो एंड पतले हो जरा। पतला होना ही है यार ये वाले महीने बस बाकी Bye. ये behind the scene cast वाले लोग हैं। behind the scene वाले ये सब। behind the scene बट ये comedian अपने चैनल का। comedian वो बस ऐसे ही attitude वाला थोड़ा attitude वाला। आप एक सबसे बड़ी वीडियो आएगी जून में। जून में सबसे बड़ी आएगी। हम चार होंगे जून में वापस आ रहे हैं वायरल टेक्नो। खुशखबरी दे दी भाई ने हमारे। चलो फिर अच्छा और हाँ वायरल टेक्नो का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जाओ प्लीज फॉलो करो लाइक करो और बहुत सारा प्यार दो इस बंदे को। बाय बाय बाय। तो गाइस आ चुका हूँ घर पे और चलो अविरल तो चला गया दुख हो रहा है भाई उसका भी। और बस व्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। शायद लंबा खींच गया होगा तो फिर मैं कह रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड गाइस कुछ भी अगर आपको नेगेटिव लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अविरल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लूँगा, जाके उसको फॉलो कीजिए और उसे प्यार दीजिए लाइक दीजिए और हाँ इस मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिए। और बस आज के लिए बस इतना ही था। तो गाइस पीस आउट गुड बाय।